तो गाइस देखिए कैसे बंदर की बच्चों की तरह मेरी पीठ के ऊपर आ रहा है। कारण ये है कि गाइस यहाँ पर रास्ता जो है वो तो गाइस जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं गाइस बहुत ही अल्टीमेट यहाँ पर लोकेशन है। चलो 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 फटाफट बच्चों शाबाश। अब उसके बाद गाइस बिल्कुल आप देख सकते हैं हमें यहाँ तक जाना है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल बिंदास हिमाचली ब्लॉगर। सो गाइस आज के ब्लॉग में हम आपको लेके जाने वाले हैं एक मंदिर में जिसका नाम है इंद्रुनाग मंदिर। और दोस्तों जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ यहाँ से वो तकरीबन 4 किलोमीटर है। और गाइस हम 4 किलोमीटर जो है वो पैदल जाने वाले हैं। तो गाइस मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे सिनेमैटिक शूट। तो गाइस मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। तो हम आपको लेके चलते हैं इंद्रुनाग मंदिर धर्मशाला। सो लेट्स गो। तो गाइस यही वो मंदिर है इंद्रुनाग और यही हम जाने वाले हैं गाइस। तो गाइस यहाँ से ये तकरीबन 4 किलोमीटर के करीब होगा। तो हम अपनी जल्द से जल्द जर्नी स्टार्ट करते हैं क्योंकि गाइस बारिश भी आने वाली है। तो बोल दो अभी भी मैं बोल रहा हूँ चढ़ाई बहुत ज्यादा है चलना है ऊपर को है पक्का जाने की छोड़ दो ऊपर चढ़ाई बहुत ज्यादा है चलना है। तो गाइस देख लो नहीं मान रहे चलो कोई बात नहीं चलते हैं। तो गाइस इस टाइम हम नीचे उतर रहे हैं देख सकते हैं गाइस यहाँ से होके हम आए हैं और अभी बिल्कुल नीचे देख सकते हैं बच्चे नीचे चले गए हैं। तो उसके बाद गाइस बिल्कुल आप देख सकते हैं हमें यहाँ तक जाना है और बिल्कुल चढ़ाई है गाइस। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि गाइस वहाँ पर जाके जो गाइस व्यू है ना बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस वीडियो में। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाइए हम आपको बहुत प्यारे प्यारे व्यू वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं आगे की ओर लेट्स गो। सो गाइस हम रोड में पहुंच चुके हैं और गाइस इसके आगे अब जैसे हम इस लोकेशन से उतरे हैं वैसे ही गाइस हमें इस लोकेशन से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ। Oh, 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 oh
आप देख सकते हैं गाइस, आपको पता ही है गाइस, पानी में एंजॉय करना तो किसको पसंद नहीं है गाइस। गाइस चलते हैं हम आगे की लोकेशन में। इस देख सकते हैं कैसे बंदर की बच्चों की तरह पीठ के ऊपर जम के बैठ गया है, क्योंकि गाइस कारण ये है कि यहाँ का जो रास्ता है गाइस ये चल नहीं पाएगा, इसलिए मेरी पीठ के ऊपर आ गया है। और चलो देख के चलते हैं भैया क्या करें। ओ माय गॉड ये ले बस। तो गाइस हम आ चुके हैं, तो चलते हैं आप गाइस ऊपर की ओर, क्योंकि गाइस चढ़ाई तो हमारी अब स्टार्ट हुई है। तो लेट्स गो गाइस, थोड़ा जल्दी जल्दी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ गाइस, क्योंकि ऐसे ऐसे ही सीन गाइस हम आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए, चलते हैं ऊपर की ओर। चलो 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 फटाफट बच्चों, शाबाश, अब लगेगा बेटा तुम्हें पता। सब तो बहुत ज्यादा उछल उछल के बोल रहे थे। तो गाइस चढ़ाई ने तो हालत खराब कर दी है गाइस, अभी तक हाफ रास्ता जो है वो हम लोगों ने तय किया है, और अभी भी गाइस जितना हम चढ़ के आए हैं उससे ज़्यादा रास्ता गाइस अभी और बाकी है। तो चलते हैं गाइस आगे, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो गाइस हम लोगों ने तकरीबन जो है चढ़ाई चढ़ चुके हैं, और फिलहाल प्यास लग रही है, सामने पानी है गाइस, पानी पी के चलते हैं। और एक इंफॉर्मेशन गाइस आप लोगों को और दे दूं, जो धर्मशाला में गाइस बादल फटा था और पानी आया था वो इसी नाले से होके आया था गाइस। यहाँ से जो लोकेशन है ना, क्या है बोलो दोस्तों, आप देख सकते हैं गाइस ये सामने मैक्लोडगंज ऊपर जो है, जहाँ पर आप लोगों को ये टावर दिख रहा है गाइस, ये मैक्लोडगंज है, और ठीक उसके नीचे गाइस ये धर्मशाला सिटी के आसपास का जो कस्बे हैं वो है गाइस। और गाइस यहाँ से लोकेशन बहुत ही प्यारी है, चलते हैं गाइस आगे की ओर। और गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है आई थिंक, तो दोस्तों वीडियो लंबी होने के कारण इस वीडियो को दो भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों दूसरा भाग इस भाग के बाद दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस जगह की लोकेशन बहुत ही प्यारी है जिन्हें मैं काट नहीं सकता। तो बने रहिए दोस्तों मेरी वीडियो के साथ, क्योंकि इसके आगे जो व्यू है ना दोस्तों बहुत ही धांसू वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं इंद्रनाथ धर्मशाला के दूसरे भाग में।
मेरे YouTube चैनल बिंदास हिमाचली ब्लॉगर में। बाय बाय गाइस।